अस्सलाम वालेकुम बच्चों बच्चों क्लास 7 है। आज सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 2 रैशनल नंबर्स। ए टॉपिक का नेम है एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स दिए गए होंगे, उनके एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं बच्चों। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका आइडिया दूंगा आज क्वेश्चन जब हम करेंगे। तो इसका पार्ट नंबर 1 है बच्चों -7। तो -7 का हमने एडिटिव इनवर्स भी फाइंड करना है और बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी फाइंड करना है। ये हमने दो चीज़ें बच्चों इसकी निकालनी है, ठीक है, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में बच्चों आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि जब हम एडिटिव इनवर्स निकालेंगे ना, ये जो एडिटिव इनवर्स है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने साइन चेंज करना है बच्चों, ठीक है। अगर प्लस हुआ तो माइनस कर देंगे और माइनस हुआ तो प्लस कर देंगे उसी नंबर को, ठीक है। उस नंबर के साथ अगर प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, यानी कि साइन चेंज करेंगे तो वो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा उसका बच्चों, ठीक है। इस तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बच्चों क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने जो रकम है ना उसको उलट देना है, ठीक है। यानी कि अगर 5 होगी तो 1/5 कर देना है, अगर पहले 1/5 होगी तो उसको हमने 5 कर देना है, यानी कि उलट देना है रकम को, ठीक है। तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। एडिटिव इनवर्स में बच्चों देखें, यहाँ पर -7 था तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा 7, यानी कि माइनस का साइन था तो मैंने उसको +7 कर दिया, ठीक है। इस तरह इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा बच्चों 1/-7, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन भी बच्चों आना है, ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन आना है तो वो आप लोगों ने बच्चों लगा लेना है इसका माइनस का साइन। इस तरह आगे जो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है बच्चों पार्ट नंबर 2 है इसका 23 में बच्चों इसका एडिटिव इनवर्स होगा -23, ठीक है, -23। ये देखें, ये +23 था तो इसका मैंने साइन चेंज कर दिया, -23 कर दिया। इस तरह अब इसका अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे तो इसको 1/ की फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/23, ठीक है। तो उलट दिया इसको मैंने, पहले ये वैसे ही था बटे के बगैर था तो अब मैंने इसको बटे में लिख दिया, ठीक है। तो ये बच्चों दो क्वेश्चन दो पार्ट हमारे हो गए हैं इसके, ठीक है। इसी तरह आगे जो है पार्ट नंबर है बच्चों इसका 18/27, तो इसका एडिटिव इनवर्स बच्चों होगा, इसके साथ में हम माइनस लगा देंगे, ये एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बच्चों क्या होगा, ये वाली जो रकम है पूरी के पूरी इसको उलट देना है, यानी कि नीचे वाली को ऊपर लिख देना, ऊपर वाली को नीचे लिख देना। यहाँ पर देखें ये रकम थी 18/27, मैंने लिख दिया 27/18, ठीक है। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। इस तरह बच्चों आगे है पार्ट नंबर 11, इसमें है -19/100, ठीक है। तो इसका एडिटिव इनवर्स बच्चों क्या होगा, माइनस के साइन को हम ख़त्म कर देंगे तो एडिटिव इनवर्स हो गया 19/100। इस तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, जो ऊपर वाली रकम है उसको नीचे लिख देना है और नीचे वाली को ऊपर लिख देना है, ठीक है। ये रकम थी 19/100, -19/100 थी तो मैंने लिख दिया -100/19। तो ये बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी इसका हो गया। अब मैं आपको बुक से इसका पेज नंबर बताता हूँ, बुक से देखिएगा ज़रा आप लोग, पेज नंबर है 27 इसका, ठीक है। और इसका एक्सरसाइज 2.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, जो पार्ट्स रह गए हैं, वो बच्चों आप लोगों ने खुद से कर लेने हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।